So hey guys, what's up everybody? This is RJ Freaks and here is my tech bag. Let's see what's in my tech bag. ये जो दो चीज़ें, ये ट्राईपॉड लगाने के लिए मैं यहाँ पे अपना स्ट्रेट ट्राईपॉड ऐसे लगा सकता हूँ बैग के बाहर, बट मैं बहुत टाइम से गोरिल्ला पॉड यूज़ कर रहा हूँ अपने कैमरा में, तो मैं वही यूज़ करता हूँ और वो अंदर रखता हूँ। ट्राईपॉड कभी कभार मैं लगा लेता हूँ जब कुछ ऐसे शूट वगैरह करना हो तो। बट अंदर चलते हैं तो ये सबसे पहला कंपार्टमेंट है जिसमें बैटरी है मेरी। ये एक्स्ट्रा बैटरी नहीं है, मेन बैटरी है। मैं निकाल के रखता हूँ कैमरे से ताकि कोई लीकेज वगैरह हो तो कैमरा डैमेज ना हो बैटरी लीकेज की वजह से। ये बैटरी का कवर है, इसमें लगा के रखा है। ये इधर सामान है, एक पाउच रखता हूँ एक्स्ट्रा में, किसी भी काम आ सकता है। ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है लेंस पोंछने के लिए। ये जो लॉक है ये मेरा है, अगर मैं पब्लिक व्हीकल से ट्रैवल करता हूँ तो यहाँ लगा देता हूँ ताकि चोरी वगैरह ना हो, एंटी थेफ्ट के काम आता है। देन ये एक मेरा बोया का लेवलियर माइक है, माइक नंबर 1, कॉलर माइक भी बोल सकते हैं इसको। इस तरीके का है, ये सेल से चलता है, इसमें सेल डालना पड़ता है। यहाँ पे ये कॉलर पे लगता है, तो ये कॉलर माइक है। एक हाथ से तो अंदर जाएगा नहीं तो कट लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये अभी हमने अंदर डाल दिया इसमें माइक, ये हो गया माइक मेरा। और ये मेरा केस है मेमोरी कार्ड्स के लिए, वाटरप्रूफ है ये पूरी तरीके से। ये मेरे दो छोटे मेमोरी कार्ड्स लगते हैं जो कि एक्शन कैमरा में जाते हैं। ये मेमोरी कार्ड्स मेरे जाते हैं बेसिकली DSLR में। ओके, तो ये जो है ये मेरा माइक्रो SD अडेप्टर है, ये इससे कार्ड रीडिंग के काम आता है, कार्ड रीडर कह सकते हैं इसको। और ये जो है मेरा 16 GB का DSLR का मेमोरी कार्ड है। मेरे पास बड़ा वाला भी है जो मतलब 256 GB का आई गेस, हाँ वो मैंने कैमरे में डाल के रखा हुआ होगा, देख लेंगे वो। ओके, तो ये केस काफ़ी अच्छा है, इसमें यहाँ पे 3 स्लॉट्स है, यहाँ पे 3 है, देन यहाँ 3 है। ये इसमें सिम्स भी रख सकते हैं और मेमोरी कार्ड्स भी रख सकते हैं, फिर 2 बड़े स्लॉट है। काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी भी है, लॉक भी दिख रहा होगा, पूरा वाटरप्रूफ है फुल्ली। ये चीज़ हो गई, ये कंपार्टमेंट हो गया पूरा। इसके अंदर जाएंगे तो मेरे यहाँ पे केबल्स रखे हैं, देख लेते कौन कौन सी है। ये मेरी केबल है ऑक्स टू माइक्रोफोन की केबल है, ऑक्स टू ऑक्स रहेगी। ये मेरी माइक्रो USB केबल है, नो ये सी टाइप केबल है मेरी, USB टू सी टाइप। ये है USB A टू USB माइक्रो USB, USB A टू माइक्रो USB। देन ये केबल है मेरी माइक्रो USB टू USB अनदर। ये 3 केबल है मेरे पास, और एक्चुअली है बट वो मैंने अभी के लिए निकाल के रखी थी क्योंकि मुझे कैमरा कनेक्ट करना था अपने PC से, तो फिर एडिटिंग के टाइम पे वो मैंने PC पे ही लगा के रखी होगी या तो ड्रॉअर में डाल दी होगी। यहाँ पे वो भी रहती है एक, तो टोटल यहाँ पे 4 to 5 केबल्स मेरी अंदर आ जाती है, रखता हूँ मैं, मतलब और भी आ जाएगी आराम से। काफ़ी अच्छी यहाँ पे स्पेसिंग दे रखी कि यहाँ पे बना भी है कि यहाँ पे मैं अपना मेमोरी कार्ड्स वगैरह को डायरेक्टली यहाँ पे रख सकता हूँ। देन ये बैटरी का बना है, बैटरी पैक रख सकता हूँ, रखा है। और यहाँ पे यहाँ मुझे जगह मिलती है तो यहाँ मैंने रखे हैं लेंस के कवर्स, क्योंकि मैं लेंस में हुड लगा के रखता हूँ, जो लेंस यूज़ में है उसमें, जो यूज़ में नहीं उसमें नहीं लगाता। तो यहाँ पे मैंने ये ओरियो जैसा दिख रहा है, ये मेरे लेंस के कवर्स हैं। ये खुल गया ओरियो, तो क्रीम तो निकला नहीं, पर ये जो है ये मेरे कैमरे का कवर है जो फ्रंट में लगता है जब उसमें कोई लेंस ना हो। ये मेरे कैमरे का सेंसर का कवर है जो बैक में लगता है जब उसमें कोई लेंस ना हो। देन इस साइड ये 2 है, इस साइड और इस साइड। इस साइड मेरा होगा 1855 mm लेंस का, ना 1855 का लगा हुआ है, अंदर दिखाऊंगा। ये है 1018 mm लेंस का कवर, ऐसा दिखता है ये कंपार्टमेंट। इसको अभी बंद कर देते फिलहाल, फिर इस वाले चेन में जाते हैं। इधर आता है मेरे जो कि कुछ है नहीं अभी फ़िलहाल, बट मैं यहाँ पे भी
जो यूज़ में है मेरी लेंस, अगर उसकी मैंने कवर निकाल के रखा तो मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि वो इजी एक्सेस हो, अंदर जाके उसमें उंगली डाल के ना करना पड़े, इधर ही से निकाल के लेंस में लगा दूँ कवर, ठीक है, ऐसा कवर। तो ये चीज़ मैं यहाँ रख लेता हूँ, और कुछ भी रखना हो टिश्यू विश्यू तो यहीं पर रखता हूँ। फिर आते हैं मेन कंपार्टमेंट में, नहीं मेन से पहले पीछे चलते हैं, ये लैपटॉप वाले में, क्योंकि मैं पीसी यूज़ करता हूँ हमेशा एडिटिंग वगैरह के लिए, अभी मेरे को कहीं से लैपटॉप की ज़रूरत पड़ी नहीं, तो ये खाली रहता है, मतलब लैपटॉप यहाँ रहता नहीं है, एक लैपटॉप भी रख सकते हैं, बट उसकी जगह मैं यहाँ पे गोरिल्ला पॉड रखता हूँ, मेरा ये जॉबी का गोरिल्ला पॉड अमेज़ॉन से लिया था मैंने, 6000 के आसपास पड़ा था, काफ़ी अच्छा स्टर्डी है, अभी तक काम कर रहा है ये। और हाँ, मैं रूम जितना हो सके छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो अभी तक मैंने दिखाया नहीं है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि जो भी हुआ है मेरे रूम में काम उसके लिए बना देंगे, चाहिए होगा तो बता देना, गेमिंग चैनल में आ जाएगा सेटअप टूर, उसमें रूम भी दिखा देंगे। तो ये जॉबी का गोरिल्ला पॉड यहाँ रखता हूँ मैं, ठीक है। लैपटॉप ले लूँगा ना अगर, तो दिक्कत ये होगी कि गोरिल्ला पॉड के लिए जगह अलग कहीं बनानी पड़ेगी, अभी तो मुझे लैपटॉप की ज़रूरत है नहीं, तो खाली है तब तक वो। लेकिन ये लॉक्स है यहाँ पे, एक लॉक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, ये नहीं भी निकाला तो चलेगा, वो उस साइड का बेसिकली, ये खुलता है यहाँ से मेन कंपार्टमेंट हमारा। तो ये है मेरा पूरा मेन जो भी है, मेन चीज़ें इधर ही रखी है क्योंकि ये लॉक होता है ये, तो इधर रखता हूँ मैं। ये मेरा माइक नंबर 2, बेसिकली ये प्राइमरी माइक है, वो सेकेंडरी माइक है, ये मेन ज़्यादा यूज़ होता है, बट अंदर लेट निकला तो इसको 2 बोल दिया। ये है बोया का, ये भी बोया का है, BY MM1, और वो जो है वो बोया का लेवलियर माइक है, वो M1 है शायद, ये MM1 है, ऐसा ही कुछ इनके वर्जन है। ये इसमें शॉक ऑब्जर्वर लगा के रखता हूँ मैं हमेशा, जो कि टूट गया, ये पिछली बार पावना लेक गए थे तो टूट गया था, दोस्त ने हाथ में ला के दिया था, बोला भाई देख टूट गया है, पता नहीं कैसे तो टूट गया, कोई बात नहीं, एक बार पहले भी टूटा है मेरा, 400 की इसकी रिप्लेसमेंट आती है, बट ये मेरे ख्याल से फेविक्विक से चिपक जाएगा, पिछली बार क्या हुआ था फेविक्विक मैंने डाला तो ये घूम नहीं रहा था, इधर तक फेविक्विक आ गया था, तो वो इसलिए नया लेना पड़ा था, इस बार ज़रूरत नहीं आई गेस, फेविक्विक से ट्राई करेंगे और संभाल के करेंगे ताकि वो नीचे ना जाए। देन ये एक्स्ट्रा लेंस है मेरी, जो स्टॉक लेंस मिलती है 1855 mm की, जूम लेंस बोल सकते हैं, ये जूम हो जाती है 55 mm तक इस तरीके से, और ये 18 mm भी चले जाती है, तो ये मेरी स्टॉक लेंस है, मैंने कहा था ना मैंने बंद करके रखा हूँ लेंस, ये रहा इसका, और पीछे से भी बंद रखता हूँ, ये रहा, ये पूरा गया मेरी एक्स्ट्रा लेंस। देन ये मेरा एक्शन कैमरा है जो यहाँ रहता है, इसका जो माइक है माइक नंबर 3 जो मेरे पास है, ये इधर ही इसमें ही लगा के रखा है मैंने अभी, क्योंकि एज इट इज़ मैं हेलमेट में फिट कर देता हूँ और माइक में डाल देता हूँ अंदर पैडिंग के हेलमेट के। तो ये मेरा नॉइस का प्ले वॉक ब्लॉग कैमरा है, ये कुछ 7000 के आसपास लिया था, 7600 तक उस टाइम पे। तो इधर रखो, यहाँ पे बैटरी चार्जर है, बैटरी पैक, इससे चार्ज करते हैं बैटरी को, और ये इसकी केबल, दोनों को मैं यहीं पे रखता हूँ, हैंडी रहता है काफ़ी, क्योंकि बैटरी कभी भी चार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो काफ़ी अंदर नहीं डाला है ज़्यादा, इधर इधर ही रखा है चार्जर को भी। हालांकि मैं एक और लेंस ले लूँगा तो मुझे पैडिंग के लिए लेंस को ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा, इसको कहीं अंदर यहाँ वगैरह डाल देंगे और यहाँ एक लेंस के लिए जगह बना देंगे, पैडिंग पूरी मूवेबल है तो निकाल के मैं कैसे भी मूव कर सकता हूँ, तो यहाँ एक एक्स्ट्रा स्पेस बनाना पड़ेगा। अभी मेरे को 50 mm लेंस पे मेरी थोड़ी नज़र है, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए यूज़ होती है, वो प्राइम लेंस है, जूम वूम नहीं होता उसमें, बट काफ़ी अच्छा अपर्चर है, तो फिर ब्लरिंग बहुत अच्छी है उसकी, बैकग्राउंड ब्लरिंग 50 mm लेंस कैनन की, चेक कर सकते हो उसके सैम्पल्स, बहुत बहुत अच्छे। तो मैं वो पोर्ट्रेट में अभी मैं उतना हूँ नहीं, ये की फोटोग्राफी के लिए मैंने नहीं लिया, व्लॉगिंग का ही है मेरा सेट, बट मैं सोच रहा हूँ उसको लेने की, देखेंगे जब लेना होगा ले लूँगा। देन आता है मेरा मेन कैमरा यहाँ पे, इसमें मैं हमेशा लगा के रखता हूँ अपनी व्लॉगिंग लेंस, 1080 mm लेंस, और आप भी सोच रहे होगे आप लोग कि इसमें आगे मैंने क्यों नहीं लगाया कवर, क्योंकि ये जो हुड है ये काफ़ी आगे तक आता है, तो इसकी यहाँ पे प्रोटेक्शन देता है, दिख रहा होगा, तो इसको ज़रूरत नहीं है हमेशा लगा के रखने की, मैं सिर्फ माइक्रोफाइबर क्लॉथ इससे इसको क्लीन कर देता हूँ, और एज इट इज़ यहाँ पे नीचे गोरिल्ला पॉड लगा के ऊपर माइक लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। अरे काम चल रहा था घर पे, अंदर तक भूल गई है, कैमरे तक भूल गई है, या तो पावना में ही गंदा हुआ होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, थक गए थे हम लोग। तो ये चीज़ है जो मैं एज इट इज रखता हूँ, ये भी इसमें लगा के रखता हूँ मैं स्ट्रैप को फोटोग्राफी के लिए,
और ये पैडिंग है जो मैंने एक्स्ट्रा दबा के रखी है, वही कह रहा हूँ मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ लेंस के लिए, कहीं भी कैसे भी मूव करके यहाँ तक इतना मूव हो सकता है, कहीं भी लगा सकता हूँ पैडिंग। इस पर एक एक्स्ट्रा मैं अडेप्टर रखता हूँ चार्जिंग के लिए, ये जाएगा इस तरीके से, और इसको मैं इसे फोल्ड कर देता हूँ और फोल्ड करके ऐसे रख देता हूँ, सिंपल। ये मेरा बाकी का चीज़ है, आई गेस सारे कंपार्टमेंट्स तो हो गए। हाँ हो गए। बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी इसकी पैडिंग मिलती है, कभी पेन नहीं होता यहाँ पे शोल्डर्स में, एंड ये काफ़ी अच्छे वेंट्स मिलते हैं, पसीना नहीं आता बैक पे, काफ़ी अच्छी पैडिंग है। ये लॉक मिलता है यहाँ पे ताकि बैक गलती से भी गिर ना जाए भागते भागते, जो कि नहीं गिरता बट कभी गिर ना जाए क्योंकि कैमरा बैग, एंड ये एंटी थेफ्ट के भी काफ़ी काम आता है ये चीज़, कोई उठा निकाल ही नहीं सकता बॉडी से आपके बैग जब तक लॉक है। और ये पैडिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, फिर बैग गिरा विरा भी तो सेफ रहता है कैमरा इसमें, ये पूरी पैडिंग ऐसे बंद हो जाते हैं, बैक हो जाते हैं पूरी लेंस और कैमरास। तो यही था मेरा पूरा बैग जो भी था। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।